मित्रों नमस्कार, कहानी आप तक कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन। मुकेश वर्मा जी की एक चर्चित कहानी चार चतुर की बेकार कथा आज हम स्वयं उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। यह कहानी उनके कहानी संग्रह सतकथा कही नहीं जाती में संकलित है। तो आइए स्वयं कथाकार की आवाज़ में इस कहानी का आस्वादन करें। श्री मुकेश वर्मा जी, ये भी लगभग एक फैंटेसी है, लगभग फैंटेसी और चार दोस्तों के बारे में कही गई है। वे लोग अपने साथ रहते हैं अपने जवानी में, अपने बचपन में, जवानी में, और उसके बाद फिर वो जीवन के क्षेत्र में कहीं कहीं निकल जाते हैं। फिर बाद में कभी एक ऐसा संयोग बैठता है कि वे लोग चारों जिसे एक पार्टी में मिलते हैं, तब वो तय करते हैं या कर पाते हैं कि नहीं कर पाते कि उनने क्या खोया, क्या पाया, क्या हुआ उनका। मैं कहानी शुरू करता हूँ, बाकी आप सोचते रहना। कहानी है चार चतुर की बेकार कथा। वे चार थे, चारों बेकार थे। पहले वे ऐसे नहीं थे, बचपन से ही सबके अपने कारोबार थे। जहाँ कहीं कभी कोई ना तो फिक्र थी और ना ही चिंता, एक साथ रहते थे। शुरुआती दिनों की बात थी, और में से एक कविता लिखने की धुन में रहता था, दूसरा कागज़ पर रंगों से खेलते रहना चाहता था, तीसरा अपनी आवाज़ को अंतरिक्ष तक उठाकर स्वरों में खो रहा था, चौथा नृत्य की लयात्मक मुद्राओं में अपने वजूद भूलने की हद पर था। अपने शौक में मुब्तला वे सभी लापरवाह, बेमस्त और अलमस्त थे। उन दिनों उनके पास खत्म ना होने वाले दिन और रात थे। हंसती हुई सुबहें थी, महकती हुई शामें थी, गुनगुनी धूप थी, आसमान में बेफिक्र चांद, आँखों में उजाले थे, और सपने अंधेरी रातों की गोद में से नहीं बल्कि दिन के उजालों के सरमाए में से निकलते। नींद में डूब जाने के बाद स्याह धूसर लिफाफों में से इतने रंगीन सपने निकलते कि दुनिया के रंग चटक और रोशन हो जाए। उस रोशनी ने फिर वे पगडंडियाँ दिखलाई जिन पर चलकर उनके पास किताबें आने लगीं। उन किताबों के एक एक पन्ने में खजाने छुपे थे जो खोजने पर बेतहाशा भूलते, ना खोलने पर बार बार पुकारते और ना सुनने पर अवाक और स्तब्ध रह जाते, लेकिन उनकी अनुगूंजन बंद नहीं होती। और फिर उधर ही मुड़ना पड़ता जिस मोड़ पर वे खड़ी होकर उनकी वाट ताक रही होती। वे दोस्त की तरह सीने से लग जाती और दुश्मन की तरह कभी खुद को भूलने नहीं देती। उन्होंने आँखों के रास्ते चलकर और कानों के पास ठहर कर वे तमाम बूझ अबूझ बातें बताई सुनाई जो उनके दिल में अब तक थी, लेकिन जाने क्यों खामोश थी। पानी की ऐसी चुप सतह जिस पर कोई अक्स ना थे, लेकिन किताबों ने ऐसी हलचल उठा रखी थी कि अब तक देखी गई और अब तक ना देखी गई तमाम सूरतें, तमाम चेहरे, तमाम किस्से और अब तक ना देखे सुने जाने समझे अफसाने अगली पिछली हजार रातों के बयान देने लगे। इस किस्सा गोई में वे करामाती नक्शे और तिलिस्मी निशान भी थे जो कभी उनके ख्यालों में इस तरह तो कभी ना थे, और फिर उनमें से निकली वे दिलकश उड़ाने जो सीधे उनके ख्वाबों तक पहुंचकर उन्हें वहां ले जाती थी जहां दिल ने पहुंचने का कभी खुद से वायदा किया था और इस हसरत में फना हो जाना पसंद भी किया था। हिम्मत और हौसले अपने शवाब पर थे, कुछ कर गुजरने की तमन्नाएं दिल में सौ सौ बल खाती थी। कमबख्त अंगड़ाइयाँ भी इस तरह और इस कदर उठती थी कि उम्र के पेड़ों पर कमसनी के फल वक्त के पहले पकने लगे थे कि उम्र के पेड़ों पर कमसनी के फल वक्त के पहले पकने लगे थे। उन्हें वे सहारे मिले जिन्होंने उन्हें अपना सहारा माना। वक्त की थैली में रखी प्यार की इस दौलत को
दुनिया की सबसे हसीन और अहम शय मान कर वे फूले न समाए और बेतहाशा खर्च करने में तल्लीन हो गए। जब वह आसमान उनके हाथों में था जिसके कूचे कूचे की सैर उन्होंने दिल्लगी से की, तब उन्हें वे पत्थर भी गड़े जो लोगों ने हर उठती चीज़ के खिलाफ फेंके थे और जिनके सिलसिले पुरजोशी से बाद तक कायम रहे। इन चोटों से किताबों के हरे भरे पन्ने फीके तो पड़ने लगे पर बदरंग नहीं हुए। फूलों में पोशीदा कांटों का एहसास उन्हें होने लगा था और एक बार दुनिया के बारे में शंकाएं और आशंकाएं पैदा हुईं, मगर कुछ अलग अंदाज से, कुछ अलग अंजाम के साथ। इन्हीं पैंच दर पैंच उलझनों में भी ढेर सारी अंथक बहसों की धाराएं बहीं। इस जलथल की जड़ों से गुत्थियाँ निकली, विचारों के सिलसिले बने बिगड़े, मान्यताएं टूटी फूटी, स्थापनाएं सजी सवरी, कामनाएं सुलझी उलझी, सच बिखरे झूठ ठहरे, अंधेरे में रोशनी का भ्रम और रोशनी में अंधेरों का रहस्य जगा। अजब तमाशा की वेर में उनमें फर्क ढूंढते रहे और यकीनी तौर पर हाथ कुछ नहीं आया। अजब शक्लों में गहरी मत्ती कम कश्मकश और उबाल भरे तनाव हैरान मरे परेशान माथे में भरते चले गए। दुनिया फुटबॉल की तरह लुढ़कती हुई करीब आई थी जिसके साथ उन्होंने अपनी तरह से खेलना शुरू किया। गेंद आसमानों की तरह जाती, गेंद आसमानों की तरफ जाती और वे आसमानों समुद्र की गहराइयों में से उसे खींच लाते, लेकिन जल्द ही गेंद ने अब उन्हें किक मारना शुरू कर दिया था। पढ़ाई खत्म होने के साथ वे न केवल क्लासरूम से बाहर हुए बल्कि अपनी दिलचस्पियों के हर मैदान से बाहर होते चले गए। वे गहरी असमंजस के दिन थे जिसके दिन दहाड़े अंधेरों में वे सब घिर गए थे। जीवन के अर्थ व्यर्थ होने लगे, न घर में राहत न बाहर चैन, सड़कों पर आवारा गर्दी और नौकरी की अनंत अर्थहीन तलाश। सपनों की जमा पूंजी तेजी से खर्च हो रही थी, शीशे का शहर पत्रों में तब्दील हो रहा था, प्रेम पत्रों के चिथड़े उड़ने लगे, रफूगरी का कोई अंदाज काम न आया, मौसम नहीं चेहरे बदल रहे थे, भरे हुए पैमाने उलट रहे थे। शक उन्हें करना चाहिए था लेकिन लोग उन पर शक करने लगे थे। धरती का वजन बढ़ रहा था जिसे वे अपनी धस रही छाती पर शिद्दत से महसूस कर रहे थे, लेकिन अथाह दलदल में डूबते जाने के अलावा कुछ भी बस में नहीं रहा। और फिर वह दौर शुरू हुआ जब अपनी नालायकी और निकम्मेपन के साथ सपनों और बहसों का बोझ उठाए वे वीरान पार्कों की नामुराद सूखी जमीन पर खारिज पत्तों से असाए पड़े रहते या सड़कों पर धूल की तरह इधर से उधर उड़ते बिखरते। कभी जिस किस्मत से उम्मीदों का रिश्ता बनाया था उसे अब दिन रात कोसते, लेकिन उससे क्या होना था। चलते चलते उनमें से एक आलीशान होटल के नायाब कालीन पर अटलाती एक जोड़ी जूतों को देखा। उन जूतों पर बेहतरीन पॉलिश थी, वे इतने खूबसूरत थे और अपने आतंकी के वजह से इतने चमक रहे थे कि चकाचौंध में उन्हें देखना या उनके पास देख पाना मुश्किल था। उससे भी मुश्किल उन तक पहुंच पाना था, लेकिन वह उन्हें लगातार देख रहा होगा। तभी अचानक एक झपट्टा मारकर उन कीमती जूतों में सुराख कर वह भीतर घुस गया। उन सब के लिए यह एक जबरदस्त और आकस्मिक हादसा था। इस बारे में इस तरह से उन्हें कभी सोचा नहीं था और आज जो वह सोचा वह गम और गुस्से के अलावा कुछ नहीं था। जितना अचरज उससे दूनी नफरत और चौगनी हकारत, बस यही बवाल उठता रहा कि क्या हुआ होगा उसका। सबने कहा सख्त एड़ियों की चोटों में कहीं पिचपिचा गया होगा। इस सारी प्रक्रिया में दया भी आई, तरस भी खाया, डर भी लगा, लेकिन कहीं कुछ राहत भी महसूस हुई कि जिसके बारे में किसी को कोई गौफियत नहीं थी। सोचते सोचते उनमें से दूसरा और कलफ लगी कड़कदार वर्दी के गिर्द मंडराने लगा जिसके आसपास बरसों से उसका बाप
भनभना रहा और बेटे के कानों में अटक उसको उस ओर खींचता रहता था। दूसरे का मन पहले तो कभी इस काम में नहीं लगा था, लेकिन एक दिन न जाने क्या हुआ कि वह गजब की तेजी से भिनभनाता हुआ उड़ा और तेजी से वर्दी की चोर जेब में दाखिल हो गया। वे सब देखते रह गए, सबका मन नफरत से भर उठा। फिर भी सबने उसे कई बार पुकारा, लेकिन उसके बाप की रोवीली मूछों की फुटकार और उसके सख्त हाथों की आक्रामक फटकार से बात फटक न सकी। घटना भरी धूप के साथ वे सब जमीन पर पटक दिए गए। फिर भी वे उसे पुकारते रहे, लेकिन वह जा चुका था। वह एक और संगीन वारदात बनी जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था। उन्हें हर तरह से आश्चर्य हुआ, आखिर उसे क्या सूझी। उसके बारे में कितना अधिक जानते थे, लेकिन ऐन वक्त जानना कितना कम पाया गया। जाते समय उससे कुछ न पूछा, न सलाह मशवरा किया, यहाँ तक कि आवाज़ भी नहीं सुनी। इस बार भी दया थी पर कम थी, तरस भी कम था। डर जरूर पड़ गया, लेकिन इस बार राहत हो या ना हो, ईश्वर की हल्की लपटने कलेजे तक आँच सुलगा दी थी। उन्हें यकीन हो रहा था कि वह कभी अब उस आवाज़ को नहीं सुनेंगे, लेकिन इस बार खुद को तसल्ली देने के लिए उन्होंने उसे पुकारा। पुकारते उन्हें उनमें से तीसरा पश्चिम से आ रही गोलियों के तेज धमाकों को गौर से सुनता रहा। बारूदी गंध के उस माहौल में वह पहले स्तब्ध हुआ और फिर हतप्रभ खड़ा रहा। फिर तेजी से दौड़कर उस तरफ गायब हो गया जहाँ से अभी तक बंदूकों के धमाके की आवाज़ आ रही थी। खून की बौछारों के बीच धुआं फैल रहा था, छायाएं अस्पष्ट थी, सिर्फ उनके काले नकाब चमक रहे थे। उनके कहे कहे दिल को दहलाने वाले थे। उन सब में वह कहाँ चला गया कोई बता नहीं सका, लेकिन एक खतरनाक खामोशी फैलती चली गई। निश्चय ही उस जलजले में कहीं वह भी शामिल हो चुका था, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था। उनमें से अब सिर्फ चौथा बचा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी थी, आसमान ऐन सिर पर खड़ा कहर ढा रहा था। वह बट अकेला और निरीह रह गया था। उसने हिम्मत कर जमीन को पकड़ने का उपक्रम किया, लेकिन मुंह के बल गिरा। तभी शोर का एक जोरदार झोंका आया, वह पत्ते की तरह उड़ गया और उड़ते उड़ते जमीन पर चल रहे एक जुलूस के बीचों बीच गिर पड़ा। हाथी घोड़े ऊंट जीप मोटरसाइकिलों ट्रक ठेलों कारों तलवारों और इश्तहारों और अखबारों की भारी भीड़ थी। उनके पास किस्म किस्म की टोपियाँ घोषणाएँ शानदार संगीत नारे और धारदार रंगीन बैनर थे। वे सब आपस में इतने शोरगुल मचा रहे थे कि किसी को भी कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। दरअसल वे ऐसा चाह भी रहे थे। इस शोर में वह अपना डर भूल गया, बल्कि उसे गजब की ताकत मिली। वह हाथ उठा उठा कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, इतना ऐसे और इस कदर कि सभी उसे ध्यान से देखने लगे। ज्यों ज्यों उसने सच्चाई को समझा, त्यों त्यों उसकी आवाज़ बुलंद और नित नए उन्माद से भरती चली गई। लोगों ने उसे कंधे पर बैठा लिया। जल्दी वह सिरों पर बैठने लगा और एक दिन उसने ऐसी छलांग लगाई कि वह सीधे हिमालय पर जा बैठा। वहाँ इतना घना कोहरा और आतंक भरी ठंड थी कि उसे देखना मुश्किल हो गया। वह फिर जमीन पर कभी कभार देखा गया। जब भी देखा गया तो प्लेन या बुलेट ट्रेन चलाते देखा गया। उसका पता होते हुए भी उसका कहीं पता नहीं चल सका। अब वह वहाँ नहीं है। समय के बवंडर में बौखलाई पृथ्वी बेतहाशा अपनी धुरी के बाहर घूम रही थी। लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह से भाग रहे थे और उसी जगह पहुँचते हुए जो अब तक बेहद बदल चुकी है, एक घटिया हालत में परिवर्तित हो चुकी। वे इसे विकास यात्रा समझकर दून है जोश और चौगनी थकान से फिर दौड़ने लगते। धर्म स्थलों पर बिना रुके घंटे बज रहे थे। हर दंगे के बाद पूजा इबादतें होती
और उनके थमने के बाद फिर वही मंगलवान। सड़क से लेकर संगत संसद तक देश प्रेम के गीत ऊंची कर्कश आवाजों के में बज रहे थे, जिनके बीच बीच में फैशन परेड की धमक, चालू लुचही आवाजें और लूटमार के जिससे अनिवार्य रूप से गुजरे हुए थे। दफ्तरों में कुर्सियां दौड़ रही थीं, कर्मचारी बेदम पड़े थे, स्कूलों में कैंडल कैलेंडर फड़फड़ा रहे थे, विद्यार्थी गायब थे, घरों में रात और दिन तय किए जाकर बदबूदार लिफाफों में रखे जा चुके थे। कूड़ों के घुलने के कारण आकार छोटे होते जा रहे थे, कि उनकी औकात रद्दी के ढेर ही से कम और हल्की हो गई थी। प्रेम पत्र पीले पड़ने के बाद अब संदूकों में बंद किए जा चुके थे, पुराने लोग जा चुके थे, नए लोग आ रहे थे, पर कहीं नहीं था। सिर्फ उस खाली धरती में दुनिया का हर जलील सन्नाटा बह रहा था। सृष्टि की अनंत फुसफुसाहटों और उनमें से रह रहकर निकलते प्रजन कंदन के अलावा कहीं कुछ भी नहीं था। धरती शांत हो चुकी थी, तूफान वापस जा चुके थे। तपते भूखंडों की परिक्रमा करते एक चींटी ने एक बार फिर दाएं बाएं देखा और अपनी तल्लीनता में चलना शुरू किया। पृथ्वी इतनी बड़ी विशाल की जो एक बार नजर से ओझल हुआ तो फिर उसका पता ना चला, लेकिन इतनी छोटी भी कि वो फिर कर एक बार मिलने वाले फिर मिल ही जाते। उस भव्य पार्टी में अचानक वे चारों मिल गए। पहले पहल तो वे एक दूसरे को पहचान ही ना सके, सब इतने बदल गए थे, उन्हें पुरानी सूटें याद ही नहीं रह पाई थी। उनमें से एक अंधा हो चुका था, एक बहरा हो चुका था, एक गूंगा और एक अपाहिज। उन्हें पद पैसा प्रतिष्ठा प्रभुत्व सब कुछ हासिल हो चुका था। वे संपन्न और संतुष्ट थे और उनके प्रौढ़ चेहरे दर्द से दमक रहे थे। बातों के सिलसिले और सिगरेट के छल्ले साथ साथ ऊपर ही ऊपर उड़े जा रहे थे। इस परम आनंद में उन्हें पुराने दिन याद आए और वे बार बार बहुत हंसे हंसते रहे। वे अब रह रहकर पछताते भी जा रहे थे कि उनमें से बिना वजह एक फिजूल वक्त बर्बाद किया। दरअसल जो वे आज हैं उन्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वह कम वक्त गया गुजरा जमाना वापस नहीं आता, यह बात दिल को टीसती थी। वक्त की बर्बादी का अफसोस कई बार और कई तरह से हुआ। एक अनावश्यक बेचैनी उन्हें फिर भी परेशान कर रही थी, जिससे वे दूसरों और अपनी भी निगाह से बचना चाह रहे थे। बेशकीमती नगों से जड़ी गूठियों वाले खाली हाथ फिर खाली हो गए गिलासों को बेवजह थपथपाने लगते, गोया कि दुनिया को और खुद को दिलासा दे रहे। वे लगातार बातें कर रहे थे, अक्सर अजब अनर्गल और अप्रासंगिक। वे बातों का सिलसिला तोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि टूटने के मोड़ पर एक ऐसी खामोशी थी खड़ी थी जैसे मुखातिब होना उनकी ही जीड़ फाड़ कर उन्हें तोड़ फोड़ कर सकती थी। वे इस विपत्ति के आसार भांप रहे थे, वे बचना चाह रहे थे, लेकिन हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे थे। अचानक संगीत का ऐसा शोर हुआ कि उनके बीच कुछ देर के लिए खामोशी पसर गई। उन्होंने फिर एक दूसरे को गहरी नज़र से देखा। खाली गिलासों में उनके पुराने चेहरे तैर रहे थे, जिनको टपकते आंसू मैला करते हुए भी धुंधला नहीं कर पा रहे थे। तभी वेटर ने उसमें लेमन डाला और जिन से भर दिया। वे देख सके कि उपंदी सतह पर हल्के धाग के बीच कहीं वही जवान लड़के हंस रहे हैं, जिनमें से कोई कविता पढ़ा रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई गा रहा है और चौथा नृत्य मुद्रा में। अजीब सांसद में वे स्तब्ध बैठे थे। एक पल के लिए दिल की धड़कन गायब हुई तो फिर नहीं लौटी, हालांकि सीनों में धड़धड़ की बाकायदा आवाजें आ रही थी, लेकिन वे धड़कने नहीं थी रोजमर्रा की बेकाब कदाब कवायद थी। इस आवाज अजाब के बीच वे उठे और एक बार फिर भीड़ में हो गए कि दोबारा उनका पता